नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। गांव से दूर पैदल पढ़ने आती जाती थी बच्ची, ये देख इंस्पेक्टर हुआ भावुक। परी परिवार की बेटी को साइकिल देकर इंस्पेक्टर ने दरिया दिली की मिसाल पेश की। साइकिल पाकर बच्ची व उसके परिवार का ना रहा खुशी का ठिकाना, किया धन्यवाद। अलीगढ़ के इजलास में तैनात इंस्पेक्टर की दरिया दिली सामने आई है। गरीब परिवार की बेटी को साइकिल दिलाकर उसके स्कूल जाने की मुश्किल को आसान किया है। बता दें, इंस्पेक्टर की दरिया दिली का मामला उस वक्त सामने आया जब कोतवाली इजलास में तैनात इंस्पेक्टर ने एक गरीब परिवार की बेटी को स्कूल पैदल आते जाते हुए देखा। गरीब परिवार की मासूम बेटी अपने गाँव से रोजाना परेशान होकर स्कूल पैदल जाती थी, ये देख इंस्पेक्टर भावुक हो गया। वहीं मजदूर परिवार से बातचीत कर इंस्पेक्टर ने उनकी परेशानी को समझा और गरीब बेटी के लिए साइकिल मंगाकर थाने में खड़ी कर ली। वहीं परिवार को बुलाया और बेटी को साइकिल की चाबी देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्ची साइकिल पाकर बहुत प्रसन्न हुई, वहीं परिवार की भी खुशी का ठिकाना न था। इजलास में तैनात इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह की ये दरिया दिली चर्चा का विषय बनी रही। बेटा, तुम्हें साइकिल किसने दी है? ये साइकिल इंस्पेक्टर साहब ने दी। किस लिए दी है? पढ़ने के लिए। कहाँ से आते हो बेटा पढ़ने के लिए? 7 किलोमीटर दूर से आते हैं। कैसा लग रहा है साइकिल पाकर? अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे इसको साइकिल? ये साइकिल किसने दी है बिटिया को? ये इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल दी है। ये साइकिल जो है, जब मैं अपनी समस्या लेके आई थी यहाँ पर, तो मुझे इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन किया। मैं यहाँ पर आई, मैंने अपनी समस्या बताई थी, तो उस समस्या से मुझे इंस्पेक्टर साहब ने बोला, इस समस्या को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारी बिटिया के लिए एक साइकिल जरूर दिलवा सकते हैं, तो उसकी वजह से बिटिया स्कूल आ जाया करेगी, तो इससे समस्या नहीं होगी। इसे जो है 20 इधर से लगते थे, 20 उधर से लगते थे। 7 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा गाँव जो है, और वहाँ से जब यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं, नगला मल्लू गांव से आते हैं, शिवदास सिंह कॉलेज में मेरी बिटिया पढ़ती है, तो इतनी दिक्कत आती। एक बार पैसे हैं, एक बार नहीं है पैसे, फिर भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन पढ़ने भी नहीं जा पाती थी। जब पैसे होते थे तो स्कूल चली जाती थी। मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। एक बार मेहनत है, एक बार ना है, तो एक बार इतनी परेशानी आती है, एक बार आटा भी है तो हम खाना खिला देते, ना भी है तो भी नहीं खिला पाते। हमें प्रधान जो है राशन वगैरह ये भी नहीं हमें बनवाया अभी तक, ना ही हमारे रहने के लिए घर है। हम अपने भाई के घर में रह रहे हैं, भाई भी हमसे झगड़ा करता रहता है, इसलिए बूढ़े माँ बाप हैं। बूढ़े माँ बाप हमें कब तक देखेंगे, क्या करेंगे? तो क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मेरे पति ने दूसरी औरत कर रखी है, मुझे छोड़ रखा है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 मेरा बेटा है छोटा। एक बेटी मेरी 14 साल की है, दूसरी बेटी 9 साल की है, बेटा मेरा 4 साल का है। तो उसने दूसरी औरत की वजह से वो हमें खर्चा पानी नहीं देता। 3 साल से मेरा केस चल रहा है, ना वहाँ से मुझे कोई मदद मिली और ना ही मुझे आज तक कोई खर्चा बना। मैंने खर्चे का केस डाला था, लेकिन मुझे आज तक खर्चा भी नहीं मिला। ये तो अब आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल दिलाई है। मैं उनकी बहुत एहसान मंद हूँ कि इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बिटिया को साइकिल दिलाई है इस कोतवाली इजलास से। पुलिस वालों की मैं बहुत एहसान मंद हूँ। जो हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।